स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आज हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जी के पार्ट टू स्पेशल अग्निपथ सीरीज है भैया, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग करिएगा क्वेश्चन को। और हर सेट्स 100 पिलर सेट्स लेके आने वाले हैं, इसमें भी उत्तर प्रदेश जी के से 100 पिलर सेट्स लेके आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो सभी लोग आएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया देगा लाख बौसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, ये आपको बताना है किस प्रदेश में है, जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग। ऑप्शन ए दिया गया मध्य प्रदेश, बी दिया गया उड़ीसा, सी दिया गया उत्तर प्रदेश और डी दिया गया झारखंड। इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, तो सभी लोग भैया याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, झारखंड। लाख बौसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो भैया ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया सन 1545 में कलिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूदी विस्फोट में किस शासक की मृत्यु हो गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया शेरशाह सूरी, बी दिया गया बाबर, सी दिया गया हुमायूं और डी दिया गया राणा सांगा। आपको ये बताना है किसकी मृत्यु हो गई थी, तो भैया याद रखिएगा बाबर की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसकी मृत्यु हो गई थी, बाबर की, सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया मोतीलाल नेहरू, बी दिया गया गोविंद वल्लभ पंत, सी दिया गया लाल बहादुर शास्त्री और डी दिया गया मदन मोहन मालवीय। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर उत्तर प्रदेश कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया राज्यपाल द्वारा, बी दिया गया मंत्रिपरिषद द्वारा, सी दिया गया राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद दोनों को, ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। भैया 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा किया जाता, तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्यपाल, यानी उत्तर जो उत्तर प्रदेश होता है उसमें राज्यपाल करता है, सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन बी दिया बनारसी दास, ऑप्शन सी दिया गया राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और डी दिया गया नबीकुल हसन। बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मदन मोहन वर्मा। क्या जाए मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने जिले हैं, बताइएगा उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया 11, बी दिया गया 31, सी दिया गया 51, डी दिया गया 71, नहीं यहाँ पर 75 होगा, बताइएगा कितने जिले हैं, तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 75। क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 75, सभी लोग याद रखिएगा। और 9 नवंबर 2013 स्टेट काट कर उत्तराखंड बना दिया गया था, उत्तराखंड एक नया स्टेट बना दिया गया था, याद रखिएगा। उस समय अगर बात करें उस समय 9 नवंबर 2000 को 13 स्टेट काट कर उत्तराखंड बना दिया गया था, उस जगह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा नारायण दत्त तिवारी थे, कौन थे, नारायण दत्त तिवारी, सभी लोग याद रखिएगा नारायण दत्त तिवारी, दोनों जगह दो स्टेट के मुख्यमंत्री रहे थे 3 महीने तक, नारायण दत्त तिवारी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताएगा। ऑप्शन ए दिया बाबर क्षेत्र में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, ऑप्शन बी दिया गया दक्षिणी भाग प्राचीनतम शैलों द्वारा निर्मित है, सी दिया गया है मैदानी क्षेत्र की भूमि की उर्वरा शक्ति कम माफी जाती है, बताएगा शक्ति काफ़ी कम है, बताएगा। ऑप्शन डी दिया गया तराई क्षेत्र महीना अवसादों से निर्मित है, यानी कि तराई क्षेत्र महीन अवसादों से निर्मित है, आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भामर क्षेत्र में छोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया गंगा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन ए दिया गया काम मिट्टी, बी दिया गया लाल मिट्टी, सी दिया गया काली मिट्टी और डी दिया गया लाल तथा काली दोनों, बताइएगा।
आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा, काली मिट्टी। क्या होगा, गंगा के मैदानी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया, बागर क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बताएगा कि किस नाम से नहीं जाना जाता है, ये आप बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया दोमट मटिया, बी दिया गया बालोई दोमट, सी दिया गया मटियार दोमट और डी दिया गया रोएगुड़। एक बांगर क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी को किस नाम से नहीं जाना जाता, बताएगा। नौ नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो भैया याद रखिएगा मटियारी दोमट नहीं कहा जाता उसे मटियारी दोमट नहीं कहा जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया, दस नंबर क्वेश्चन दिया गया, यमुना नदी किस जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया सहारनपुर, बी दिया गया गाजियाबाद, सी दिया गया मुजफ्फरनगर और डी दिया गया मेरठ, बताएगा। दस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या सही हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा मुजफ्फरनगर। क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा मुजफ्फरनगर, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ग्यारह नंबर क्वेश्चन दिया गया, लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब घटित हुई थी, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया 9 अगस्त 1925, बी दिया गया 19 नवंबर 1925, सी दिया गया 17 जनवरी 1926 और डी दिया गया 28 दिसंबर 1926। आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही हो जाएगा, जल्दी से बताएगा। तो भैया याद रखना ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19 नवंबर 1925 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब शुरू की गई, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया 1921, बी दिया गया 1934, सी दिया गया 1949 और डी दिया गया 1946। इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 भैया याद रखिएगा 1934, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1934, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, ऑप्शन ए दिया गया भगवान सहाय, बी दिया गया भोलानाथ झा, सी दिया गया कलिका प्रसाद आर और डी दिया गया एएन झा, बताएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएगा, क्या सही हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा एएन झा, क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा एएन झा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में ऋतु तथा अवधि के संबंध में कौन सा युग सुमेलित है, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक, बी दिया गया ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, सी दिया गया वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक और डी दिया गया उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा खनिज मिर्जापुर जनपद में नहीं मिलता है, ये आपको बताना है, कौन सा ऐसा खनिज है जो मिर्जापुर जनपद में मिलता नहीं है। ऑप्शन ए दिया एवो एस्बेस्टास, ऑप्शन बी दिया एडलाइस साइट, ऑप्शन सी दिया गया पायराटाइस और ऑप्शन डी दिया गया यूरेनियम, बताएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा पायराइट्स, क्या होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा पायराइट्स, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर, डीजल लोकोमोटिव बर्ग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए दिया गया वाराणसी, बी दिया गया इलाहाबाद, सी दिया गया गोरखपुर और डी दिया गया लखनऊ, पर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, क्या सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन राइट आंसर डी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा लखनऊ, सभी लोगों को याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में मक्का की बुआई किस महीने में की जाती है, बताएगा जल्दी से। ऑप्शन ए दिया गया अप्रैल से मई, बी दिया गया मई से जून, सी दिया गया मार्च से अप्रैल और डी दिया गया जून से जुलाई, इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्या सही हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। याद रखिएगा बुआई की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा मार्च से अप्रैल, क्या होगा मार्च से अप्रैल, सभी लोग याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में अरहर मुख्य रूप से किस फसल से के लिए के साथ बोई जाती है, बताइएगा। अरहर है ये किस फसल के साथ बोई जाती है, ऑप्शन ए दिया गया धान गेहूं, बी दिया गया मक्का जौ, सी दिया गया जौ बाजरा और डी दिया गया सरसों। आपको इसका राइट आंसर बताना है 18 नंबर का, क्या सही हो जाएगा बताएगा सभी लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो भैया याद रखिएगा सरसों अलसी के साथ बोई जाती है अरहर, सरसों अलसी के साथ बोई जाती है अरहर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है, आपको यह बताना। ऑप्शन ए दिया गया तराई क्षेत्र, बी दिया गया गंगा यमुना का दोआब, सी दिया गया दक्षिण का पठारी भाग और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है निम्न में से गन्ना के लिए उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जल्दी से बताइएगा। तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन बी गंगा यमुना का दोआब, यानी कि बीच का किनारा नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कृत सतन है,
कथन गलत है, ये आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए दिया उत्तर प्रदेश में सरसों रबी की फसल है, बी दिया उत्तर प्रदेश में मूंगफली खरीफ की फसल है, सी दिया गया उत्तर प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में देसी जूट बोई जाती है, और डी दिया गया उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। बताएगा भैया 20 नंबर का क्या हो जाएगा, तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देसी जूट बोई जाती है। ये गलत है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भैया ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन यूपी जीके से 20 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला भैया। डेली की डेली आप क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, सभी लोग याद रखिएगा। क्लास को करते हैं और एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।